हाय फ्रेंड्स, सबको स्वागत है मेरा चैनल सेफ्टी फॉर ऑल 01 में। आज हम लोग बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में, जो होता है रिस्क कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वर्क प्लेस में। जो हायरार्की का कंट्रोल है वो एक है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। इस अप्रोच में सबसे ऊपर रखा गया है एलिमिनेशन को। एलिमिनेशन जो है ये हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है, हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन माना जाता है, और लोएस्ट लेवल पे आते हैं पीपी। तो हम लोग जो है अभी जो पांच स्टेप है वो देख लेते हैं। एलिमिनेशन का जो है पांच स्टेप जो है हायर लेवल से लोअर लेवल तक, वो है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एलिमिनेशन सबसे ऊपर आता है, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर जो है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो हैजर्ड है इसको आप टोटली रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वर्कर हाइट हो रहा है, आप नीचे से ग्राउंड लेवल से ही काम कर लिए। इसमें क्या होता है, जो आपका ऊपर से गिरने का चांस था, जो डर था, वो पूरा ख़त्म हो गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। आप आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन क्या है, जो मान लीजिए कोई भी हैजर्डस चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे ना अब तक, तो उसको क्या है रिमूव कर देगा एलिमिनेशन के द्वारा। अगर मान लीजिए एलिमिनेशन नहीं कर सकते आप, तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़ कर रहे थे अभी उसके कम हैजर्डस कोई भी इक्विपमेंट और कोई भी केमिकल हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ऑयल बेस्ड के जो पेंट हम लोग यूज़ कर रहे थे, अभी क्या है ऑयल वेस्ट को हम लोग रिमूव बदला दिए, उसको क्या किया चेंज करके हम लोग क्या किए वाटर बेस्ड पेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, जो हैजर्डस चीज़ था वो कम हैजर्डस चीज़ में बदला गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या आता है, जो है हम लोग अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते और तब क्या करते हैं, हम लोग जो आदमी होता है वर्कर होता है उसको और जो इक्विपमेंट है इसके अंदर एक बैरियर हम लोग खड़ा कर देते हैं। मान लीजिए एक कोई भी मशीन चल रहा था, उसको हम लोग एक गार्ड दे दिए, उसको आइसोलेट अलग कर दिए। ये होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। मतलब क्या है, कुछ भी आप वर्कर और मशीन के बीच में कुछ दीवार खड़ा कर दिए आप। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है, जो हम लोग एक काम करने का जो प्रोसीड्योर था इसको चेंज करेंगे हम लोग। आदमी लोगों को ट्रेनिंग देंगे अच्छा से। मान लीजिए कुछ भी था, कोई एक बंदे को मशीन जो ऑपरेट करता था उसको हम लोग चेंज करेंगे, ऑपरेशन का जो वर्क प्रोसीड्योर है उसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग साइनेज देंगे। मतलब क्या है, ये सिस्टम ऑफ वर्क है जो रिस्क को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट आता है, लास्ट में आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब क्या है, कहाँ आपको काम करना ही है जब, तो वो आपको जो वर्कर है वो जब पीपी पहन के जाएगा काम करने के लिए, वो पीपी जो है वर्कर को ही सेव करते हैं। तो क्या है, पीपी लास्ट में आता है, इसीलिए जो है वर्कर को ही वो सेव करता है, दूसरे किसी को नहीं, जो पहनेगा। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ये और एक क्वेश्चन आता है इसमें, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पीपी को सबसे नीचे क्यों रखा गया था। पीपी को सबसे नीचे रखा गया इसीलिए, मान लीजिए एक तो पीपी जो है जो पहनेगा उसी को सेव करेगा, वो बचेगा, दूसरा कोई नहीं, जो नहीं पहनेगा वो नहीं बचेगा। उसके बाद आता है जो पीपी जो है आदमी नहीं पहनना चाहते बराबर। और एक होता है जल्ले, मान लीजिए पीपी अच्छे से ठीक से नहीं पहना गया पीपी, तो वो भी काम का नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मास्क पहना हुआ है, मास्क अच्छा से नहीं पहना हुआ है, वो उसमें नाक जो बाहर निकल गया है उसमें क्या होता है, डस्ट तो अंदर जाएगा ही, तो मास्क पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो मास्क पहना था डस्ट अंदर ना जाए, लेकिन क्या हुआ, वो नाक के नीचे दे दिया मास्क, वो अंदर चला गया डस्ट। मतलब क्या है, पीपी जो है आदमी के ऊपर भी निर्भर करता है, वो कैसे नहीं पहनता ठीक टाइम से, ठीक से नहीं पहनता है, इसीलिए पीपी को सबसे नीचे रखा गया। तो यही था पांच जो स्टेप था हायरार्की ऑफ कंट्रोल का, यही पांच स्टेप।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्त लोगों से शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, बाय।